हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, और हम लोग भी सब ठीक हैं। और सभी लोगों को मेरा पहला प्रणाम और छोटे को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। और मेरा ब्लॉग पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ 11:30 बजे से, क्योंकि अभी टाइम हुआ मुझे, क्योंकि सुबह से बच्चों का बहुत काम हो जाता है आजकल, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हैं। तो और अभी मैं बना रही हूँ किचन से ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। और तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी भटकी चुड़कानी। और क्योंकि दाल तो रोज ही बनाते हैं, दाल ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं कोई लोग, और क्या कहते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं भटकी चुड़कानी बनाती हूँ और रोटी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। मैं आपको दिखाऊँगी भटकी चुड़कानी मैं कैसे बनाती हूँ। आप लोग बताना कि वो भटकी चुड़कानी कैसी बनाई है। तो क्या पता आप लोग अलग तरीके से बनाते हो, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगी, आप बने रहे मेरे वीडियो पे। तो गाइस, मैंने 4 लहसुन काट रखा है और 1 प्याज काट रखा है और 1 टमाटर कोर रखा है, उसमें 4 मिर्च काट रखी, और ये मैंने भाट निकाल रखा है। मैंने इसको अच्छे से बिन रखा है, इसमें पत्थर वत्थर ना हो, और ये निकाल रखा है मैंने आटा। अब मैं जलाऊँ गैस, ये देखो ये मैंने जला दिया गैस, और मैं तेल को होने दूंगी थोड़ा। जब तक तेल नहीं होता है, मैं मिक्सी में थोड़ा मिर्च पीस लेती हूँ। मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी इसमें, लाल मिर्च और लहसुन भी डाल रखा है। ये मिर्ची को हरी मिर्ची डाली थी मैंने, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पीस लेती हूँ। ये देखो, इसका लगाऊंगी मैं ढक्कन। मैंने पीस लिया मिर्च, ये देखो बारीक बना रखा है, और थोड़ा अभी डालूंगी और रख दूंगी, और तेल भी हो रहा है। और अब मैं इसको कटोरी में निकाल दूंगी। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा पानी और थोड़ा इसको हिला के, वह साफ हो जाएगा। ये डाल दिया मैंने पानी, तो अब मैं इसको थोड़ा छाल के उसमें डाल दूंगी। इसको छाल देती हूँ क्योंकि वैसे खाती है ये। मैंने इसको छाल दिया है पानी से, अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसको कर दूंगी बंद। और अब तेल भी हो गया है, और इसमें डालती हूँ पहले मैं जीरा, जीरा का तड़का लगाती हूँ, और फिर डालूंगी लहसुन, और प्याज भी डाल देती हूँ, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी होता है। दाल तो हम रोज ही बनाते हैं, हमने कहा क्यों ना कभी कभी चेंज बना लेते भट्टी चोखा नहीं। और मैं निकालती हूँ पन्नियों, 2 मिनट को हिलाऊंगी, जब ब्राउन होने दूंगी। तो प्याज होने वाला है, तो अब इसमें डालूंगी काली भर, ये मैंने काली भर डाल दिया इसमें। तो इसको मैं हिलाऊंगी, इसको थोड़ा थोड़ा कम आँच कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा आँच करने में एकदम जल जाएंगे। इसको मैं 2-3 मिनट ऐसे ही भूनूंगी। अब भात चढ़कने लग गए। ये देखो चलक चलक हो रही है भाटों की। तो आप लोग मुझे कमेंट बनाना बताना प्लीज, कि आप भटकी चुड़कानी कैसे बनाते हो, क्योंकि
क्योंकि मैं तो सिंपल सा बना रही हूँ, वैसे होता ही नहीं मुझसे। ये देखो अब हो गया, अब इसमें मैं डालूंगी पानी। अब मैं डालूंगी इसमें पानी, मैंने डाल दिया इतना पानी। मैं डालूंगी इसमें मसाला, ये डाल दिया मैंने मसाला। अब मैं हिला दूंगी इसको, ऐसे मैं लगा देती हूँ 2 मिनट। इसमें लगाऊंगी मैं ढक्कन और इसमें मैं लगा देती हूँ ढक्कन, और जब तक भर के चुनकानी नहीं बनती तब तक हम धो लेते हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन यहाँ बहुत सारे। फिर रखूँगी मैं चावल, फिर गूदूँगी मैं आटा। ये देखो भर के चुनकानी बनने लगी है, 2 मिनट और पकाऊँगी बन जाएगी, तब देखो अब कितना स्वादिष्ट होता है। और मैं रख लेती हूँ अब चावल। तो गाइस दाल भी बन गई है और चावल भी बन गए हैं, और अब मैं बना रही हूँ रोटी पापा के लिए, क्योंकि पापा खाते हैं 2 रोटी। ये डाला मैंने रोटी, और मैंने रोटी भी बना ली है। तो अब मैं बनाऊँगी अंडे, और इसको रखूँगी मैं, और मैं जलाऊँगी गैस। मैंने तेल डाल दिया इसमें, अब मैं बनाऊंगी अंडा। मैंने इसमें सब डाल रखा है, नमक मिर्चे हरी मिर्चे प्याज। अब मैं तेल होने देती हूँ, अंडा भी बन गया और मैं कर रही हूँ दाल गरम। अब मैं लगाती हूँ खाना, अब मैं लगा रही हूँ खाना। यह है चावल, ये डाला मैंने चावल, ये देखो ये रख दिया मैंने चावल, और ये रखा मैंने अंडा, और इसमें डालेंगे मटकी चुड़कानी। अभी डालती मैं इतना ही, फिर डालूंगी बाद में। और ये रखा मैंने रोटी, ये लगा दिया मैंने खाना, और दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं होता कैसा है। अब ये दे रही हूँ मैं अपने हस्बैंड जी को, इसमें डाल देती चम्मच, डाल दिया। और मैं पापा के लिए प्लेट में ले जा रही चावल, और थोड़ा इसमें दाल ले जाती हूँ। गिर भी रहा है, हाथ ही जा रहा है। और ये डाली हूँ मैं मम्मी के लिए, रख दिया मैंने मम्मी के लिए। और थोड़ा डालूंगी अंडा मम्मी के लिए खाना। तो गाइस ये है मेरा खाना, और मैंने सभी लोगों को दे दिया खाना। अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, देखती हूँ कि भटकी चुनकानी कैसी बनी है। और मेरी वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, एंजॉय करना, और सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, फिर लेके आऊँगी आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो।